गुड आफ्टरनून एवरी वन वी आर डूइंग डेटा हैंडलिंग एंड वी हैव डन मीन मीडियम मोट दीज आर देंट्रल टेंडेंसीज जो हम कैलकुलेट करते हैं और इन सब का अपना अपना अलग अलग यूज होता है हमने पढ़ा हुआ है हमें मीन कहाँ पे यूजफुल होता है मोड कहाँ पे यूज़फुल होता है एंड वेयर इज द मीडियम यूजफुल सेकेंड थिंग वी हैव डन द दारग्राफ्स डबल बारग्राफ एंड बारग्राफ बोथ है ना सो so, oh, हाउ टू यूज एंड वट इज़ द यूज़ ऑफ दैट बारग्राफ उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है उसका क्या क्या यूज़ है और हम उसको रीड कैसे कर सकते हैं हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन को उस बारग्राफ को देख कर वी हैव डन दैट सो इन टूडेज़ क्लास वट वी विल डू वी विल डू और वी विल एनालाइज आर ओन रिज़ल्ट ऑफ साइकिल टेस्ट वन विद द बारग्राफ हम अपने साइकिल टेस्ट वन के रिज़ल्ट का बारग्राफ बनाएंगे हरेक सब्जेक्ट का एंड देन हम एनालाइज करेंगे कुछ चीजें फ्यू थिंग्स जस्ट लाइक कि हमारे हाईएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं हमारे लोएस्ट मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए हैं एंड हम इससे एक और चीज भी फिर इसके पीछे का हम रीजन लिखेंगे हम रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं इसका क्या रीजन हो सकता है वो आप अपने आप को बहुत बेस्ट जानते हो so you you know the reason very well that you got these marks in the subject highest or the lowest due to this reason आप वो reason भी analyze करोगे उस reason के बाद suppose करो आपके highest marks आए हैं हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो सब्जेक्ट में या हो सकता है आपने उसमें ज़्यादा हार्डवर्क किया हो या फिर सिमिलरली लोएस्ट मार्क्स आए हैं तो आपका इंटरेस्ट ना हो सब्जेक्ट में या फिर आपने उसमें हार्डवर्क कम किया हो ऐसा भी हो सकता है सो देयर कैन बी मैनी रीजन्स फॉर फॉर द हाईएस्ट और लोएस्ट ऑफ मार्क्स सेकेंड थिंग हम उस रिज़ल्ट को जो जिसमें हमारे लोएस्ट मार्क्स आए हैं उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कैसे हम अपने उस रिज़ल्ट को भी एक अच्छे स्टेज पर लेकर आ सकते हैं हमें वर्क करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए है ना एंड अगर हमारी किसी में हाईएस्ट मार्क्स है तो हमें उनको मेंटेन भी करके रखना है या फिर उससे बेटर बनना है बट उसको मेंटेन तो एटलीस्ट करके रखना है कि वो कम ना हो जाए सो so, ये सारी चीज़ें हम अपना बार ग्राफ के थ्रू एनालाइज करेंगे लेट्स स्टार्ट सो दिस इज़ माय टेबल ऑफ साइकिल टेस्ट वन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है आप लिख देना साइकिल टेस्ट वन वैसे तो आप अपने ऑब्जेक्टिव में लिखोगे ही साइकिल टेस्ट वन अब ये जो मार्क्स है ना ये मैंने खुद से ही लिखे हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ओके okay, मेरा मैथ्स ऑब्वियसली मैं मैथ्स टीचर हूँ तो मैंने अपने आपको हाइएस्ट मार्क्स दे दिए थर्टी आउट ऑफ थर्टी ठीक है हिंदी ईजी होता है तो ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन इंग्लिश थोड़ा सा हुआ है तो ट्वेंटी सेवन सोशल साइंस मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ा uh... कंफ्यूज होते हैं तो मैंने उसमें ट्वेंटी फाइव दे दिए संस्कृत अगेन इट इज़ एन ईजी सब्जेक्ट एंड साइंस में ट्वेंटी एट ठीक है साइंस सबका एवरेज होता है सो so, मैंने अपने आप को ऐसे मार्क्स दे दिए हैं बट ये जो मार्क्स हैं ये मैंने खुद से अपने आप को दिए हैं आपको अपने साइकिल टेस्ट वन के मार्क्स इसमें लिखने हैं टेबल के अंदर एंड उनका आपको ग्राफ बनाना है अब ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या बोला था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी चीज़ें तो आप ध्यान दोगे ही कि बार्स के बीच में इक्वल गैप होना चाहिए बार्स की विथ भी इक्वल होनी चाहिए पर उससे भी पहले इंपॉर्टेंट चीज है स्केल अब हम इस नंबर्स को देखकर स्केल कैसे ले सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू थर्टी हो सकती है बिकॉज आपका साइकिल टेस्ट था ही थर्टी मार्क्स का है ना तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अगर हम चेक करें यहाँ से फाइव फाइव का अगर हम स्केल लेते हैं तो ठीक हो जाएगा हमारे लिए क्या थर्टी तक आ सकती है सारी वैल्यूज आ सकती है बिकॉज ये बायोग्राफ काफी बड़ा है Uh, यहाँ पे अगर ज़ीरो भी होता है देन फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी ईज़िली आ गया इवन आप टू टू का गैप भी ले सकते हो तो ज़ीरो अगर यहाँ पे है तो टू देन फोर देन सिक्स देन एट देन टेन देन ट्वेल्व देन फोटीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट थर्टी तो आप जो है टू टू का गैप लोगे तो और अच्छे से आपका जो डिफरेंस है वो पता चलेगा आपको कि क्या क्या डिफरेंस है तो क्योंकि मेरा ग्राफ इतना बड़ा है और टू के गैप से इजिली मेरे ग्राफ में पूरी सारी वैल्यूज आ जाएंगी इस पूरे ग्राफ में फिट हो जाएंगी तो मैं टू का स्केल लूंगी तो मैंने यहाँ पे स्केल ले लिया वन यूनिट इज इक्वल्स टू टू और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्क्स तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स ना आई विल ड्रॉ दी हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल लाइन दैट इज़ वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस सो ये मैंने अपना वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सिस बना दिया है मैंने टू का स्केल लिया है टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी दैन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट थर्टीन ठीक है अब मैं बार्स बनाऊँगी बार्स कैसे बनाऊँगी सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली मैं इधर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है यहाँ पर लिखेंगे हिंदी एंड हिंदी का बार बनाएँगे कहाँ तक ट्वेंटी नाइन तक अब हम ये पढ़ चुके हैं जब हम टू का स्केल लेते हैं तो ट्वेंटी नाइन कहाँ पर आएगा दिस इज़ ट्वेंटी एट तो ऑब्वियसली ये तो पूरा थर्टी है तो सेंटर पे ट्वेंटी नाइन होगा तो इसका मतलब यहाँ तक हिंदी का बार जाएगा सेकेंडली ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन कहाँ पर होगा एक गैप छोड़ेंगे देन यहाँ पे हम ट्वेंटी सेकेंड इज़ इंग्लिश सो हम इंग्लिश का बार जो बनाएंगे दैट विल बी टिल हेयर यहाँ तक होगा बिकॉज ट्वेंटी सिक्स देन ट्वेंटी सेवन देन ट्वेंटी एट उसके बाद थर्टी ठीक है तो थर्ड जो है गैप देके थर्टी पूरा हमारा ये तो हमें दिख ही रहा है थर्टी यहाँ तक है सेकेंड इज़ ट्वेंटी एट तो हमारा ट्वेंटी एट जो है वो यहाँ तक आएगा एंड देन ट्वेंटी फाइव सोशल साइंस तो ट्वेंटी फ़ाइव कहाँ पर होगा दिस इज़ ट्वेंटी फोर तो ये ट्वेंटी फाइव हो गया एंड देन लास्ट इज ट्वेंटी नाइन सो ये हमारा ट्वेंटी नाइन होगा ये रहा ट्वेंटी एट से जस्ट टू पर ट्वेंटी नाइन और यहाँ तक हम अपने बार्स को बनाएंगे अब इसके बाद बिकॉज़ हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं हमें अपनी एक्टिविटी फाइल में लगाना है इसे तो वी विल ट्राई टू तो मेक इट अट्रैक्टिव उसके लिए आपके अपने वेज हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के या तो आप उसको कलर से किसी अच्छे से शेड कर लो या अंदर ग्राफ के कुछ डिज़ाइन बना लो बहुत बच्चे डिज़ाइन भी बनाते हैं जैसे क्रिस क्रॉस टाइप कुछ बना दिया आपने कलर्स से डिज़ाइन बना दिए हर बार के अंदर आप दूसरी चीज एक कोशिश ये करना आप कि आपके जिसमें हाईएस्ट मार्क्स हैं जैसे ये है मेरा मैथ्स में तो इसको मैं ग्रीन कलर से करूँगी बिकॉज ग्रीन इज़ समथिंग दैट इज़ सेफ़ इट मीन्स आप मैथ्स में सेफ हो आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं तो मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है एंड सेकेंड थिंग जिसमें आपके लोएस्ट मार्क्स हैं उसको आप कोशिश करना रेड कलर से या रेड से कोई भी मिलता जुलता कलर इसी तरीके से क्रीम से भी कोई भी मिलता जुलता कलर आपके पास जो भी अवेलेबल है वो ठीक है एंड द सेकेंड चीज़ बाकी सब्जेक्ट्स को आप किसी भी कलर से स्केच कर सकते हो या कलर कर सकते हो सो so आपको ये रेड जोन मतलब आपका ये डेंजरस जोन है ये सब्जेक्ट जो है दिस इज़ आप इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत ज़्यादा है तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर्स से अपने बार्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो सेकेंड थिंग क्या कर सकते हो आप आपके पास कलर शीट्स हैं आपका जितना भी ये बार है उतना कलर शीट को कट कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो रेक्टेंगुलर शेप में इसके ऊपर पेस्ट कर दिया सेकेंड कलर शीट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया आई विल ऑल्सो पेस्ट लाइक दिस सो so, मैंने ये स्ट्रिप काट इसको कट कर दिया है बिल्कुल सोशल साइंस दिस इज़ रेड ना तो बिकॉज सोशल साइंस मेरा वैसे भी वीक ही था ऑब्वियसली तो मैंने ऐसे करके इतना जो है जितना भी विथ है वो इस तरीके से स्ट्रिप कट कर दी आप थोड़ा सा आउटलाइन भी कर सकते हो ब्लैक कलर से ब्लू कलर से ये आपकी मर्जी आप अपने अप ग्राफ को कैसे इंटरेस्टिंग एट्रैक्टिव बना सकते हो ठीक है तो आपको ये बार ग्राफ अपना प्लेन साइड प्लेन वाली साइड पे, पे पेस्ट करना है एंड देन रिटर्न पार्ट यू विल राइट ऑन रूल साइड राइट साइड पर जो रूल साइड होती है वहाँ पर आप लिखोगे एंड बार ग्राफ को आप पेस्ट करोगे अपना प्लेन साइड पर सो दिस इज़ हाउ आप बार ग्राफ बनाओगे उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओगे सो दैट इट लुक्स गुड